नाम बताया भैया ने अभी, जितेंद्र प्रसाद ज्वाइन कर रहे हैं, मंत्री रहे हैं सेंटर, मंत्री रहे हैं सेंटर में, क्या कहेंगे इस प्रकार से? देखिए अब जब उनसे बातचीत होगी, अब हम लोगों को तो सबसे पारिवारिक ही संबंध, जब बातचीत होगी सुमित के साथ तो ज़्यादातर पढ़े हुए हैं लोग, यहीं नैनीताल में पढ़े, नैनीताल में उनका घर भी, तो अब ये क्या कारण है, कोई व्यक्तिगत मनमुटाव है या उन्हें निराशा हो गई है, पता नहीं, क्योंकि देश के जड़ के नेता थे उनका पूरा परिवार, उनके पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इसलिए कहा नहीं जा सकता, पूछने पर पता चलेगा तो बता देंगे। अगर देखा जाए चुनाव में, देखिए लोगों का ये भी गुस्सा होता है, जिस कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, अगर उसको छोड़कर चले जाते हैं ख़राब समय पे, तो एक ग्रुप पर इसका भी असर होता है, इसीलिए बहुत सोच समझ के ये निर्णय लेना चाहिए। नहीं इकला चलोगी तो नहीं चल रही, हम परसों ही बैठक में साथ बैठे थे, उनका भी मुझे जो निर्देश दिया जाएगा वो मैं करूँगा, और कोई हरीश रावत आज के नेता थोड़ी है जिन्हें कोई सिखाने जाएगा, वो एक पुराने नेता है, ब्लॉक प्रमुख से लेकर पार्लियामेंट तक जीते हुए हैं, सरकार में मंत्री रहे, अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो वो कोई ऐसी बात जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाए ना सोचेंगे ना कहेंगे। मैम हरीश रावत पूर्व में भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसमें प्रदेश की जनता ये देखना चाहती है कि नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री का कमान संभाले, क्या कहना चाहेंगे आने वाले समय में? और जनता चाहती तो जनता आवाज़ उठा के चिल्लाए, ताकि ये आवाज़ जिन्हें बनाना उनके कानों तक जाए, अपने घर में बैठ के कह रही है तो कोई क्या जाने, जनता उन नेताओं तक आवाज़ डाले अगर उसकी कोई इच्छा है तो। जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसको देखते हुए 2022 में तो कांग्रेस आ रही है, क्योंकि कोरोना की व्यवस्था से बेहद नाराज हैं लोग, पैसा किसी पर है नहीं, कष्ट सहा लोगों ने, अस्पतालों में बेड नहीं मिले और ऑक्सीजन के अभाव में मर गए जिसकी जांच चल रही है, तो उनसे तो नाराज है, तो इसलिए ये तो सही है कि इनका जाना तय है। जिन जिन राज्यों में चुनाव होगा, बंगाल में तो इन्होंने जितने इन पर गोटियाँ थी सभी खोल दी थी, पर वो अकेले ममता बनर्जी इसलिए नहीं, लेकिन उसने इन्हें बाहर कर दिया, अब ये विचार कर रहे हैं हम बाहर क्यों हो गए, क्या देश से बाहर होंगे, डरे हुए हैं इस समय सब, तो कांग्रेस का आना तो सुनिश्चित है। मैम जिस प्रकार से देखा जा रहा है ये उतने अनुभवी और तपे हुए नहीं हैं, आरएसएस में ये तपे हुए हैं, लेकिन सरकार चलाने में तपे हुए नहीं हैं, वो फिसल नहीं जाती, उनका ज्ञान ही उतना है, फिसलते कतई नहीं है, ज्ञान सीमित है, उस ज्ञान को बढ़ाने की उन्हें कोशिश करनी चाहिए। मैम 2022 मुद्दा तो साफ ही, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, दूसरा बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, और ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। स्वास्थ्य कोरोना ने सबको तोड़ कर रख दिया, ब्लैक में खरीदे उन्होंने इंजेक्शन, वो भी नहीं मिले, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं थी, तो यही बड़े मुद्दे हैं जिनसे वो रोज़ परेशान होते हैं। ये काफ़ी बात करें तो महंगाई में